हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोग हम आशा कर रहे होंगे घर पे खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग ये इस सीरीज का अगली वीडियो लेके आए हैं, सॉल्यूशन का क्लास नंबर 8 लेके आए हैं। और देखते हैं इसमें हम लोग क्या क्या आगे बढ़ते हैं और क्या क्या करते हैं। तो इसमें देखिए, हम लोग सॉल्यूशन के जो अगले टॉपिक देखेंगे वो हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सॉल्युबिलिटी में हम लोग ये बात जाने कि लिक्विड में, अगर मान लेते हैं लिक्विड जो होगा, लिक्विड वह विलायक है, लिक्विड आपका विलायक है, मैंने सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट आपका है लिक्विड। और हम लोग ये बात ध्यान देते हैं, ये बात समझते हैं कि जब लिक्विड सॉल्वेंट होगा तो इसमें जो विलेय होगा वह गैस भी हो सकता है, गैस विलेय, विलेय जो होगा मैंने सॉल्यूट जो होगा वह गैस भी हो सकता है और इसमें सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो एक्चुअली हम लोग देखते हैं इसको, अगर हम लोग सॉलिड को इसमें डिजोल्व करें या फिर गैस को डिजोल्व करें, इसके लिए अलग अलग टर्म होते हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं। देखते हैं और समझते हैं, जानते हैं इसके जो टर्म्स हैं, इसके जो कंडीशंस हैं वो कैसे हैं। तो लिक्विड विलायक के रूप में अगर है तो उसमें हम गैस भी डिजोल्व कर सकते हैं और आपका सॉलिड भी डिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब दोनों सॉल्यूट का काम कर सकता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो हम लोग एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, देखते हैं ये बात। हम लोग सर्वप्रथम ये करना चाहते हैं कि एक कोई हम ऐसा टब लेते हैं जिसमें हम लोग ये आपका वाटर भर लिए, पूरी तरह से ये पानी आपका है इसमें भर लिए, ये आपका विलायक है, मतलब वाटर ही नहीं कोई लिक्विड है, लिक्विड ले लेते हैं, कोई लिक्विड है हम लोग इसमें इसको भर लिए, और ये आपका है विलायक, ये आपका क्या है विलायक माने सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है। और इसमें हमें गैस को डिजोल्व करना है, गैस, गैस को इसमें डिजोल्व करना है, गैस को भरना है। तो गैस ऑलरेडी इसके ऊपर वाली सरफेस पे ऐसे कुछ रहेगी, हमें इसको बहुत तेज गति से इसमें डिजोल्व करना है, इसमें डालना है, देखना है कि गैस कैसा बिहेवियर करती है। तो और इस गैस को इसमें डालने के लिए हमें क्या क्या टर्म यूज करें कि जल्दी से गैस डिजॉल्व हो जाए, और जल्दी से गैस डिजॉल्व हो जाए और इसके जो विलयन बने वो परफेक्टली प्राप्त हों। तो हम लोगों को गैस में डिजॉल्व करना है तो हम लोग क्या क्या टर्म ले सकते हैं, मतलब कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं सॉल्युबिलिटी के लिए। तो हम लोगों को सॉल्युबिलिटी देखना है, सॉल्युबिलिटी देखना है, सॉल्वेंटी मतलब विलेयता, यानी विलायक में यानी इस द्रव में हम लोगों को गैस को डिजोल्व करना है। तो गैस को डिजोल्व करना है तो हम लोगों को सॉल्वेंटी देखना है, मतलब विलेयता देखना है। तो इसमें कुछ फैक्टर होंगे जो इसको इसको अफेक्ट करेंगे, उसको जो फैक्टर होंगे वो जो इसको अफेक्ट करेंगे हम लोगों को वही सब पढ़ना है, जानना है। देखते हैं इसमें जो फैक्टर होगा वो अफेक्ट क्या करेगा। जैसे हम लोग सबसे पहले लेते हैं आपका नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस यानी गैस की प्रकृति पर, गैस की आपकी प्रकृति पर। पहली बात तो हम लोग गैस की प्रकृति से चेक कर लेते हैं कि इस गैस जो होती है वह कैसा, अगर इसका नेचर जैसा होगा वैसे इसमें डिजॉल्व होगी तो इसका बिहेवियर कैसा रहेगा, इसके बारे में देखते हैं। अगर मान लेते हैं कोई गैस, गैस देखिए दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो हो सकती है पोलर ध्रुवी और एक नॉन पोलर, मतलब अध्रुवी, नॉन पोलर और पोलर माने ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो अगर हमारे पास गैस कोई पोलर हो, क्यों ये लिक्विड लिए, लिक्विड मान लेते हैं वाटर आपका है, वाटर ये है आपका, तो वाटर यानी H2O, यानी H2O, H2O को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कुछ, ये आपका H2O रहा। और हम जानते हैं कि H2O पोलर होता है, इस पर स्लाइटली निगेटिव, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव आ जाता है ऑलरेडी, तो ये पोलर तो है ही है। अब इसमें कोई ऐसी गैस लें जो अगर पोलर हो, ये तो ऑलरेडी पोलर है, ये ध्रुवीय है, और इसमें और कोई ऐसी गैस है, जैसे हम ले लेते हैं अभी HCl हुआ, ये आपका हुआ, अगर हमें HCl को इसमें डिजॉल्व करना है तो हम लोग HCl को कैसे इसमें डिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे घोल सकते हैं, इस बात को ध्यान पूर्वक देखते हैं। जैसे अगर हम चाहें HCl को इसमें घोलना तो
तो ये सी एल ऑलरेडी पोलर है, इस पे आपका निगेटिव आता है, इस पे आपका पॉजिटिव आता है, तो ये ऑलरेडी पोलर है, तो ये वाला निगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट से हाइड्रोजन बाइंडिंग करेगा, मतलब हाइड्रोजन बंध से जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो हाइड्रोजन बाइंडिंग अगर यहाँ पे होगी तो हाइड्रोजन बाइंडिंग के कारण यह इसमें विलय होगा। यानी आप यहाँ पर क्या पाए कि पोलर जो गैसें होती हैं, यानी पोलर जो होते हैं वह पोलर्स में विलय हैं, मतलब ये भी वाटर भी पोलर है और आपकी गैस भी पोलर है, तो यह जो वाटर में गैस जो होगी वह डिजॉल्व होगी, मतलब विलय होगी, घुल जाएगी। और ऑलरेडी हम और कोई गैस ले लेते हैं, जैसे नॉन पोलर की हम लोग चेक कर लेते हैं, मान लो आपके पास ये वाटर है, वाटर आपका है, तो यहाँ पे ये तो पोलर होगा, ये आपका पोलर है, लेकिन कोई गैस ले लेते हैं जैसे हम O2 ले लें, तो O2 तो पोलर है नहीं, ये ध्रुवीय है नहीं, ये ध्रुवीय नहीं है, तो अगर इसको इसमें डिजॉल्व करना चाहें तो उतना इजीली घुलती नहीं है। यानी हम लोग ये बात जाने कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ा कम होती है, इसीलिए हम लोगों को पानी में अंदर सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होती है, अंदर उस वहाँ पर सांस, हम लोग की जो शरीर है उसमें मतलब ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो जब ऑक्सीजन चाहिए तो हम लोग जब पानी में तैरते हैं तो उस वक्त जब आपकी मुंडी नीचे जाती है, जब पानी में आप डूबते हो तो वहाँ पर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती, होती तो डिजॉल्व लेकिन कम होती है, इसलिए वहाँ पर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये नॉन पोलर ये हुआ आपका N2 हुआ, ये सब इसमें डिजॉल्व नहीं है। यानी नॉन पोलर में पोलर कोई नॉन पोलर पोलर में डिजॉल्व नहीं होगा। यानी पहली जो कंडीशन है वो तो ये होना चाहिए कि जो गैस है वह ऑलरेडी पोलर होनी चाहिए, गैस जो इसमें डिजॉल्व करनी है वह ऑलरेडी पोलर होनी चाहिए। अगर यह गैस पोलर होगी तो इजली इस वाटर में जो होगी वह घुलेगी। तो पहली, अगर ये पोलर होगा तो वाटर में घुलेगा। जैसे अभी हम लोगों को बेंजीन को, यह आपका बेंजीन है, बेंजीन है, बेंजीन में अगर हम लोगों को घोलना हो कोई एसिड, ये आपका घोलना हो या फिर ये घोलना हो, तो आप जाने कि ये तो पोलर है आपका, लेकिन बेंजीन आपकी पोलर नहीं बन पाती है, या तो या यहाँ पर ये देख लेते हैं, जैसे बेंजीन में आपको घोलना हो, ये आपका घोलना हो, तो ये आपका बेंजीन, ये न, ये पोलर नहीं है, तो यहाँ इसमें डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि घुलने के लिए आपका जो कंडीशन होती है वह गैस का या फिर किसी लिक्विड का, किसी का भी पोलर होना आवश्यक है। अब HCl की जगह पे HBr अगर इसमें डिजॉल्व करें, एक्चुअली HBr तो गैस के रूप में नहीं मिलता, लेकिन अगर इसमें जल में डिजॉल्व करें तो यह घुल जाएगा, क्योंकि यह भी आपका क्या है, पोलराइज होगा, पोलर होगा, तो ये डिजॉल्व इसमें होगा, मतलब घुलेगा। तो पहली कंडीशन है, इसको क्या फैक्टर चाहिए, मतलब इस गैस को क्या होना चाहिए, नेचर में आपका पोलर होना चाहिए, पहली कंडीशन। जो दूसरी कंडीशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो होता है टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएं, टेम्परेचर अगर हम लोग चेंज करें, टेम्परेचर को चेंज करें, तब देखें कि यहां पर क्या प्राप्त होता है। जैसे ये पोलर और नॉन पोलर, ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी, अब हम लोग टेम्परेचर के बारे में देख लेते हैं। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, देखते हैं। आपका यहाँ पर अगर कोई गैस को हमें डिजॉल्व करना है, अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं, इसमें वाटर आपका है, और यहाँ पर अगर कोई गैस को इसमें डिजॉल्व करना है, अंदर घोलना है, और हम नीचे से अगर उष्मा दें इसको, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएं, टी आपका इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप जाने कि अगर हम लोग टेम्परेचर देंगे तो ऑलरेडी टेम्परेचर देने पर वाटर जो होता है उष्मा निकालने लगता है, उष्मा निकालने लगता है, और वह गैस को बाहर, भाप के रूप में गैस को और बाहर करने लगता है, ना कि अपने अंदर इस गैस को डिजॉल्व कराएगा। यानी हम लोग सिंपल सी भाषा में ये जाने, अगर हम लोग देख कर जाने, प्रैक्टिकली देखें, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर विलयता जो होती है वह कम होती है। यानी टी अगर इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वह होगी डिक्रीज। आप देखते हैं क्यों, और हम एक मेथड से समझ लेते हैं। जैसे ये आपका रहा, अगर हम लोग लेते हैं कोई, जैसे लेते हैं विलेय, कोई विलेय प्लस विलायक, दोनों को अगर डिजॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है आपका,
सॉल्यूशन तो बनता है, लेकिन इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि जो विलेय और विलायक को मिलाने पर सॉल्यूशन जो बनता है, जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है, उसमें अगर उष्मा निकल रही है ना, उष्मा निकल रही है मतलब उष्मा छिपी अक मतलब एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक अगर वह उष्मा देता है ना, उष्मा निकल रही है, उष्मा निकलने का मतलब ये हुआ अगर वह उष्मा निकाल रहा है तो डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी वह निगेटिव आने वाली है ये। और यदि विलेय प्लस विलायक आपका दोनों मिलाते हैं और सॉल्यूशन प्राप्त होता है, सॉल्यूशन प्राप्त होता है और यह रिएक्शन इंडोथर्मिक अगर है तो डेल्टा एच की वैल्यू आपकी होती है पॉजिटिव। अब आप जाने कि अगर यहां पर आपका टेम्परेचर अगर इंक्रीज करें तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। किसमें? अगर वह रिएक्शन जो होगा वह क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। फिर सब लोग सुन लेते हैं, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा यानी उष्मा देने वाला, तो विलेय को विलायक में घोलेंगे, अगर वो उष्मा देता है तो विलेय को अगर विलायक में घोलेंगे और टेम्परेचर बढ़ाएं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। और यहीं पर दूसरी जो बात है, अगर विलेय को विलायक में घोलें और सॉल्यूशन एंडोथर्मिक है तो जो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, भी बढ़ती है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो गैस को घोल रहे हैं इस कंडीशन में जो रिएक्शन होगा वह क्या होगा, एक्सोथर्मिक जो फॉलो करेगा वह एक्सोथर्मिक फॉलो करेगा। यानी हम लोग इसको ना देखते हैं, हम लोग केवल ऊपर वाले, ये तो आपको समझने के लिए बता दिया गया कि विलेय और विलायक को घोलने पर सॉल्यूशन बनता है अगर उष्मा आपका वो जो रिएक्शन है वह इंडोथर्मिक है। अगर इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक अगर आपका रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल कंडीशन आपकी है, जो ये कंडीशन है, वहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपकी ये सॉल्युबिलिटी घटेगी। इसका मतलब यहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वाटर से उष्मा निकलती है, उष्मा निकलती है तो गैस कम घुलेगी, यानी ताप बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी घटेगी। यानी आपका जो ये नीचे वाला रिएक्शन होगा ये वाला यहाँ पर फॉलो नहीं करेगा। तो आप देखते हैं ऊपर वाले को, यानी विलेय को विलायक में जब डिजॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है और रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक है, यानी डेल्टा एच जो होगा वह निगेटिव होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वह घटेगी। डेल्टा एच मतलब इससे उष्मा जो निकलेगी, उष्मा निकलने के कारण उष्मा निकल रही है तो जो इसकी वैल्यू होगी वो ऋणात्मक प्राप्त होगी। आइए समझें, सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटी घटती है। प्रैक्टिकली भी हम लोग देखें, यानी विलेय और विलायक को घोलेंगे सॉल्यूशन बनेगा और उष्मा उसमें से पहले निकलेगी, उष्मा निकलेगी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उष्मा निकलेगी, यानी सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, घटने लगेगी। और हम एक कंडीशन से और समझ लेते हैं, हम लोग एक रिएक्शन एक देखे हैं 11th में था, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ये आपका है, आपका यहां पर है। तो डेल्टा जी की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों को निगेटिव प्राप्त होती है, डेल्टा जी आपको डेल्टा किसी भी रिएक्शन में जो आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं उसमें डेल्टा जी होता है वो निगेटिव आना चाहिए, और डेल्टा जी निगेटिव आना चाहिए तो रिएक्शन इजिली अपने आप होगा, मतलब ये गैस अपने आप इसमें डिजॉल्व होती चली जाएगी। और यहाँ पर जो डेल्टा एच है वो ऑलरेडी निगेटिव है, तो डेल्टा जी इक्वल टू ये तो निगेटिव है आपका माइनस टी, और जो डेल्टा एस आपका है ये आप समझ जाओ कि यहाँ पर जो डेल्टा एस होगा वह ये होगा कि गैस को हम अगर प्रेशराइज करके, यानी गैस को हमें केवल इस वाटर में घोलना है, अगर गैस फ्री रहती पूरा चारों तरफ कहीं भी जाने के लिए, अगर गैस कहीं भी जाने के लिए फ्री है तो जो डेल्टा एस की वैल्यू, मतलब डेल्टा एस ये इसका जो फ्रीडमनेस है, मतलब ये कितना स्वतंत्र है गैस, तो डेल्टा एस ऑलरेडी जब इसमें कहीं भी जाने के लिए, हम वाटर में घोलने के लिए इसको नहीं कर रहे हैं, ये कहीं भी जा सकती है, तो इसका डेल्टा एस जो होगा वो पॉजिटिव होगा,
लेकिन ऐसा तो है नहीं, हमें केवल इसमें वाटर में घुलते हुए देखना है कितना वाटर में डिजॉल्व हो रही है गैस, गैस को हम कितना वाटर में घोल ले रहे हैं टेम्परेचर बढ़ा करके। तो आप समझें कि टेम्परेचर बढ़ा करके कितना घोल ले रहे हैं, यानी डेल्टा यस की यस को हम एक उसके जो स्वतंत्रता है उसकी उसको हम कंजर्व कर रहे हैं, एक जगह हम लोग उसको संरक्षित कर रहे हैं इसमें केवल देने के लिए, इसलिए डेल्टा यस की वैल्यू यहाँ पर ऋणात्मक प्राप्त होगी यानी निगेटिव होगी। तो हम समझें कि यहाँ पर डेल्टा यस की वैल्यू भी हम निगेटिव अगर रख देते हैं तो आपका ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, ये आपका पॉजिटिव होने वाला है। तो आप बात समझें, और डेल्टा जो जी है वो आपका निगेटिव है, निगेटिव है, और यह भी आपका निगेटिव ही है, और यहाँ पर ये आपका क्या होने वाला, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो अब आप बताएं यहाँ पर निगेटिव अभी रहने देते हैं, पी और वी ई लिख देते हैं। तो अगर निगेटिव निगेटिव आपका पॉजिटिव होने वाला है तो हमारी जो बात होगी यहाँ पर आके खत्म हुई। ये देखते हैं, जैसे हमें ये निगेटिव प्राप्त करना है, निगेटिव कब प्राप्त होगा, निगेटिव प्राप्त करना, अगर ये निगेटिव प्राप्त होता है तो समझ जाइए कि गैस जो होगी वह इजिली इसमें डिजॉल्व होगी। कब निगेटिव प्राप्त होगा, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, यानी टी पॉजिटिव है, ये निगेटिव प्राप्त करना है। तो हम बताएं कि ये निगेटिव हमारे लिए कब प्राप्त होगा, जैसे अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को, ये तो पॉजिटिव हो गया, टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहेगा आपका उतनी ये वाली वैल्यू कम आएगी, मतलब इसका जो सॉल्व करने पाएगा उतना कम आएगा। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ये कम आएगा, यानी इसकी जो निगेटिविटी है वह ज़्यादा होगी। तो हम टेम्परेचर बढ़ाने पर निगेटिविटी ज़्यादा हो रही, यानी आप बात समझो कि टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहे हैं तो आपके जो इसकी निगेटिविटी ज़्यादा आ रही है, इसकी जब निगेटिविटी ज़्यादा आ रही है यानी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। टेम्परेचर हम प्लस कर रहे हैं तो आपकी जो ये डेल्टा जी की वैल्यू है वो क्या हो रही है, टेम्परेचर जब प्लस कर रहे हैं तो डेल्टा जी की वैल्यू उतना माइनस में आएगी, यानी आप जानो कि टी जब प्लस करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, कम होगी। यहाँ पर सिंपल सी बात समझ लेते हैं कि विलेय को विलायक में अगर डिजॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, वह रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक, यानी डेल्टा एच जो होगा वो निगेटिव होगा। डेल्टा एच निगेटिव रख लिए, ये आपकी वैल्यू प्लस हो गई, तो प्लस हुई यानी टेम्परेचर को यहाँ पर, यानी इस रिएक्शन से हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर जितना प्लस करेंगे उतना ही इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, और माइनस में आएगी तो टेम्परेचर प्लस करने पर सॉल्युबिलिटी घटेगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी डेल्टा जी पर ही निर्भर करती है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घटती है। यानी पहली बात है कि पोलर होना चाहिए ध्रुवी, और दूसरी बात है कि टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी आपकी घटेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी आपकी घटेगी, ये आपकी बात हुई यहाँ पर। अगली बात हम लोग टेम्परेचर के लिए ले लिए, अगली बात हम लोग देख लेते हैं इसके प्रेशर के लिए। प्रेशर ये जबरदस्त बात है, अब इसको समझते हैं हम लोग ध्यान से। देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, ये तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग इसमें वाटर भरे हैं और इसमें गैस को हमें डिजॉल्व करना है, गैस को हमें इसमें डिजॉल्व कर देना है, घोल देना है, तो गैस की घुलने की जो कंडीशन होगी वो बात यहाँ से इस बात पर निर्भर करेगी कि हम जितना प्रेशर इंक्रीज करेंगे, यानी पी को जितना बढ़ाएंगे उतना ही सॉल्युबिलिटी जो होगी वह भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी प्रेशर बढ़ाने पर आपकी विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। जितना ज़्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इसकी विलेयता बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगी, यानी आपकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, विलती होती है, वह विलेयता वह प्रेशर पर निर्भर करती है। वह किस पर निर्भर करती है, वह प्रेशर पर, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टू हम लोग पी लिख सकते हैं, यानी हम लोग सॉल्युबिलिटी को ज़्यादा करना है तो प्रेशर भी ज़्यादा होना चाहिए, या फिर इसको लिख सकते हैं आप, जब प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है, यानी आप लिख सकते हैं जो पी होगा वह प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी, ये आपका हो सकता है। यानी प्रेशर बढ़ाने पर आपकी विलेयता बढ़ेगी, जितना ज़्यादा दाब बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा गैस जो होगी वो इसमें घुलेगी।
अब भूलने के लिए मान लेते हैं हम दाब जितना दिए और इतना गैस में डिजॉल्व हो गई। गैस में इतना डिजॉल्व हो गई, जैसे हम लोग गैस में डिजॉल्व हो गई। अब देखिए जो प्रेशर बढ़ाने पर गैस इसमें घुल रही है, बस यही बात जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी बात को हेनरी ने प्रूव किया। हेनरी ने बताया क्या कि जैसे जैसे हम लोग किसी भी गैस पर प्रेशर को बढ़ाते हैं, वह गैस वैसे वैसे द्रव में घुलना स्टार्ट हो जाती है, यानी घुलने लगती है धीरे 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 धीरे। वह गैस किसमें घुलने लगती है? द्रव में। तो जैसे जैसे हम गैस पर प्रेशर को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे जो गैस होती है वह द्रव में डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है, यानी वो गैस धीरे धीरे द्रव में आने लगती, घुलने लगती है। प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी जो होती है वह बढ़ती है, प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, सिंपल सी बात है, देखेंगे ये कि हेनरी यही बात कहे कि जो पी प्रपोजनल टू होगा वो सॉल्युबिलिटी होगा। अब सॉल्युबिलिटी किस किस बात पे निर्भर करती है? जैसे हम लोगों के पास कंसंट्रेशन टर्म बहुत सारे हैं, जैसे मोललता है, मोललता, नॉर्मलता, मोललता है और मोल फ्रैक्शन है आपका, इतने सारे कंसंट्रेशन टर्म आपके पास है। तो जब इतने सारे कंसंट्रेशन टर्म आपके पास हैं, तो इसमें जो हेनरी थे वो कहे कि कंसंट्रेशन टर्म में हम लोग लेंगे केवल आपका मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, यानी कि कितने गैस के अणु और कितने द्रव के अणु आपस में घुले हैं, ठीक, इनके मोल जो होंगे वो कितने मिलेंगे। यानी आप जाने कि जो आपका ये होता है कंसंट्रेशन टर्म, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन जो होता है इसमें केवल मोलों की संख्या होती है। तो ऑलरेडी कितने मोल्स गैस में द्रव के घुले और द्रव के कितने मोल्स गैस में हैं ये हम लोग जानेंगे इससे। और जो ये है वो है आपका जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जो ये आपका जो मोल फ्रैक्शन है वो दिखाता है कि कितने गैस के अणु जो होंगे, कितने गैस के अणु जो होंगे वह द्रव में विलय होंगे, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी यह मोल प्रभाज है गैस का लिक्विड में, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये आपका है। और जो अगली बात है, ये जो P होगा यहां पर देख लेते हैं, जो ये P होगा यहां प्रपोजनल का निशान हटा के एक कांस्टेंट लगाया गया, अब उस कांस्टेंट को हम लोग KH कहे, और आपका ये रहा, इसको हम लिख लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये आपका हुआ हेनरी का इक्वेशन, ये आपका क्या हुआ हेनरी का इक्वेशन। हम लोग हेनरी के इक्वेशन से यहाँ पर क्या बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि यदि कोई विलेय को, यदि कोई गैसीय विलेय को हम लोग विलायक में, द्रव रूपी विलायक में डिजॉल्व कर रहे हैं, तो जितना गैस के अणु द्रव में विलेय होंगे उसका जो मोल फ्रैक्शन, जो मोल प्रभाज होगा वह उसके दाब के अनुक्रमानुपाती होगा, प्रपोजनल होगा। मतलब जितना ज़्यादा आपका प्रेशर होगा उतना ज़्यादा आपका मोल फ्रैक्शन प्राप्त होगा, जितना ज़्यादा आपका प्रेशर होगा उतना ज़्यादा आपका मोल फ्रैक्शन प्राप्त होगा। तो आपका ये हुआ P इक्वल टू के एच इंटू, जहाँ पर के एच जो है वह हेनरी कॉन्स्टेंट, हेनरीज कॉन्स्टेंट है, आपका जो के एच होगा वह हेनरीज कॉन्स्टेंट होगा। ये आपकी बात है, जो सिंपल सी बात है, आप लोग समझ रहे होंगे कैसे कैसे हम लोग किए। तो इसको हम लोग सिंपल सी बात में एक बार फिर छोटी छोटी बात में देख लेते हैं। जैसे यहां पर हम कहें कि पहली बात जो फैक्टर होगा वह नेचर, गैस के नेचर पर निर्भर करेगा, तो जितने पोलर गैसें होंगी वह पोलर द्रव में आपकी डिजॉल्व होंगी इजिली, यानी दोनों पोलर होने चाहिए। अगली बात है टेम्परेचर जितना इंक्रीज करेंगे उतना सॉल्युबिलिटी जो होगी वह डिक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी होगी आपकी डिक्रीज होगी। और प्रेशर वाला जो, अच्छा ये
यहाँ टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उतना सॉल्युबिलिटी किसी भी गैस की घटेगी, इसीलिए गर्म पानी में मछलियां जो होती हैं वह इजीली सांस नहीं ले पाती हैं। अगर वाटर गर्म है, पानी गर्म है, यानी टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है आपका, टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो इसमें जो मछली होगी इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम डिजॉल्व होगी। सही बात है, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है, यानी ऑक्सीजन इसमें कम होगा, तो यहाँ पर जितने भी जीव जंतु होंगे उनको सांस लेने में उनको ऑक्सीजन की कमी फील होगी, यानी सांस लेने में उनको प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने में आपका जो होता है सॉल्युबिलिटी गैस की घटती है, इसीलिए इसमें रहने वाले जो जानवर होते हैं उनको जो सांस वांस लेने में प्रॉब्लम होती है, पानी में रहने वाले जानवर, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात देखते हैं, अगली बात है प्रेशर। हम बताएं आप लोगों को कि अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो उसकी जो गैस की जो मोल प्रभाज होगा वह उसके अनुपातिक होगा प्रेशर के, यानी पी प्रोपोर्शनल टू ए, यानी पी बराबर हम लोग एक कांस्टेंट लगा देते हैं जिसे हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं, के एच, आपके यही हेनरी का ला। हम लोग यहाँ से क्या बात करते हैं, किसी गैस को यदि द्रव में डिजोल्व करना है, किसी गैस को यदि द्रव में घोलना है, तो उसका जो मोल प्रभाज होगा, गैस का जो मोल प्रभाज होगा, जो विलेय गैस का मोल प्रभाज होगा वह दिए गए दाब के अनुपमानुपाती होगा, वह दिए गए दाब के क्या होगा, अनुपमानुपाती। किसी गैस का, घुली हुई गैस का जो मोल प्रभाज होगा वह दाब के अनुपमानुपाती होगा। यहां पर आपका केएच जो है वह हेनरी हेनरीज कांस्टेंट है, आपका हेनरीज कांस्टेंट है, ये आपका पी इक्वल टू केएच प्राप्त होगा, ये आपका हुआ हेनरी ला। अगली बात को देखते हैं, सिंपल से एक और बात है, हम लोग नोट डाल के इसको समझ लेंगे। नोट में बात यहां से है कि अगर नोट में बात यह है कि अभी अभी हम लोग देखे कि टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आपके जो सॉल्युबिलिटी होती है वो आपकी डिक्रीज हो रही है, घट रही है। और अगली बात यह है कि अब हम लोग एक बात और जाने कि हम लोगों के पास जो है वो अभी अभी मिला पी प्रपोजनल टू, ये वन हो गया आपका इक्वेशन नंबर एक्स मान लेते हैं या वन मान लेते हैं, पी प्रपोजनल टू आपका ये मिला। अगर हम लोग पी बराबर के एच इंटू एक्स का लेते हैं या मोल प्रभाज का लेते हैं, और हम लोग मान लेते हैं कि जो पी है वो कांस्टेंट है, वो नियत है, पी न बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो हम लोग इसको पहले बटे कर दें, पी अपान आपका हो जाएगा यक्स इंटू के एच, ये आपका प्राप्त हुआ। अगर हम पी कांस्टेंट माने तो क्या मिलेगा हम लोगों को, के एच प्रपोजनल टू वन अपान मोल फ्रैक्शन, ये आपको मिलेगा, ये आपको प्राप्त हुआ। यानी आप यहां से देख करके क्या मिलेगा आपको कि हम लोगों को देखते हैं कि अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, और के एच की वैल्यू जो होती है वह मोल फ्रैक्शन की जो होती है वह व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी यहाँ से आप ये भी बात समझेंगे कि जो आपका के एच अगर हम बढ़ाएंगे, यानी हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू अगर बढ़ाते हैं, तो जो मोल प्रभाज होगा वह क्या होगा, आपका वैल्यू उसकी घटेगी, उसकी वैल्यू डिक्रीज होने वाली है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी और टेम्परेचर घटाने पर वैल्यू जो होगी वह डिक्रीज होने वाली। हाँ, तो आपका सब क्लियर दिख रहा है, तो अगली बात ये देखते हैं। हाँ, यहाँ पर हो गया क्लियर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा था ये देख रहे थे, तो ये हम लोग यहाँ पर ये देखे इक्वेशन नंबर सेकंड हुआ। यानी हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये के एच अगर बढ़ेगा तो यानी ये एक्स की वैल्यू जो होगी वो यानी मोल प्रभाज होगा घटेगा, यानी सॉल्युबिलिटी घटेगी, यानी के एच बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी जो होगी वह घटेगी। यानी सॉल्युबिलिटी कब कब घट रही है, टेम्परेचर बढ़ाने पर घट रही है,
और एक केएच की वैल्यू बढ़ाने पर घट रही है। यानी हम दोनों इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, यानी टी जब इंक्रीज करेगा तो केएच क्या होगा, इंक्रीज करेगा। दोनों एक दूसरे क्यों, टी बढ़ाने पर भी सॉल्युबिलिटी घट रही है, केएच बढ़ाने पर भी सॉल्युबिलिटी घट रही है, यानी मोल फ्रैक्शन घट रहा है यार, व्युत्क्रमानुपाती है तो नहीं घटेगा, ये घटेगा, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाने पर भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज और आपका ये हेनरीज कांस्टेंट बढ़ाने पर भी टेम्परेचर डिक्रीज, तो ये सॉरी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज और आपका ये हेनरीज कांस्टेंट बढ़ाने पर भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, यानी अब टेम्परेचर यानी हम इन दोनों को यानी ये बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, हेनरीज कांस्टेंट बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, यानी जो टी होता है वह प्रोपोर्शनल टू होता है के एच, ये भी आप लोग जानते रहे, जो टी की वैल्यू होती है वह के एच के प्रोपोर्शनल होती है। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुई, जैसे हम इसको और ज्यादा क्लियर कर दे रहे हैं, देख लेते हैं। जैसे हम अभी भी बताए कि टी जब इंक्रीज होगा तो के एच भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, और तब सॉल्युबिलिटी जो होगी, वैलिडिटी जो होगी वह डिक्रीज होने वाली है। यानी आपका एनसीईआरटी बताती है कि यहाँ पर अगर केएच की वैल्यू है, यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी। जैसे अगर हम किसी एक निश्चित गैस के लिए लें, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए ले रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ले लेते हैं, टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन गैस के लिए लेते हैं तो अगर हमारा केएच की जो वैल्यू मान लेते हैं, वैल्यू मान रहे हैं आपको दिखाना है 140 अगर ले लेते हैं, और उस समय जो सॉल्युबिलिटी है वह मान लेते हैं यक सभी है, अच्छा। और हम अगर आपका ये थोड़ा सा कम कर देते हैं, अगर हम केएच की वैल्यू कम कर दिए, केएच की वैल्यू 120 कर दिए, मान लेते हैं ये केएच की वैल्यू 120, जैसे ये देख लेते हैं वाई है तो अब सॉल्युबिलिटी आपकी यक्स है। जब केएच की वैल्यू वाई सॉल्युबिलिटी यक्स, अगर हम केएच की वैल्यू वाई प्लस, अगर हम केएच की वैल्यू वाई प्लस कुछ भी और जोड़ दें इसमें जेड, जैसे केएच की वैल्यू घट गई, केएच की वैल्यू बढ़ गई, यानी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ी, तो इसकी वैल्यू जो होगी वह क्या होगी, कुछ इसी अनुपात में, मान लेते हैं ए, इसी अनुपात में घटेगी। जैसे हम जैसे जैसे आपका केएच की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, इसमें प्लस जोड़ेंगे, जैसे वाई प्लस अगर टू जेड कर लें तो हम आशा करते हैं कि ये होगा 2a, यानी उसी जिस अनुपात में हम लोग इसको बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, उसी अनुपात में जो होगी सॉल्युबिलिटी होगी वो घटेगी, ये सभी लोग जानते रहे। यानी जो हेनरीज कांस्टेंट है वह ऑलरेडी टेम्परेचर के अनुक्रमानुपाती होता है, लेकिन सॉल्युबिलिटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर हम लोग ये बात समझ गए, और हम लोग इस बात को फार्मूले भी समझ सकते हैं, फार्मूले में ऑलरेडी सिंपल सा लिखा भी है, के एच इंटू आपके लिखा यहाँ पर ये, तो हम इसको अगर बटे कर देंगे तो ये आपका के एच, यानी के एच इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एक्स, यानी एक्स इक्वल टू सॉल्युबिलिटी होती, यही तो आपका मूल प्रभाज यहाँ पे सॉल्युबिलिटी भी लेता है, यानी के एच जब बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी आपकी घटने वाली है। ये बातें क्लियर हो गई, और अगली बात को सिंपल रूप में हम लोग देख लेते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ हम लोग इसका खींच लेते हैं हेनरीज कांस्टेंट का, और ग्राफ खींचने के बाद हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ग्राफ हम लोगों का है पी प्रोपोर्शनल टू आपका आया अभी ये, तो ये क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये आपका है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये तो हम लोग यहां पे पी बराबर लगा देंगे के एच इंटू, हम लोग इसका कंपेरिजन कर देते हैं y बराबर एम एक्स, ये सुने होंगे आप लोग, ये 10 से पढ़े होंगे आपका ये फार्मूला y बराबर, मैथ में आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे तो इसे जानते होंगे, ये सिंपल लाइन का ये आपका इक्वेशन है, तो y की जगह पे p और x की जगह पे x और m की जगह पे आपका kh ले लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग ग्राफ क्या ड्रा करेंगे, देखते हैं इस बात को, ये आपका है वाई, y एक्सिस पे प्रेशर हम लोग ले लेते हैं, इधर तरफ प्रेशर आपका होगा, और x एक्सिस पे हम लोग मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं, हाँ मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं। अब देखते हैं ये प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन, तो
जो इसकी KH की वैल्यू होगी वह सीधे स्ट्रेट लाइन होगी, यानी ऐसा कुछ होगी। यानी हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो मोल फ्रैक्शन और प्रेशर अगर बढ़ेगा तो KH की वैल्यू एक क्या होगी, स्ट्रेट लाइन में जाएगी। यानी यह आपका होगा जो स्लोप होगा वह आपका KH होगा। इसको आप, इसका जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ है, यानी आप समझें यहाँ से क्या है आपका, जैसे हम लोग जाने कि y बराबर m x, तो x ग्राफ ये और KH ग्राफ m। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिला कि y बराबर m x जब कंपेरिजन कर लिए तो आपका y बराबर m x का जो ग्राफ ड्रा होता है वैसे होता है। तो हम लोग यहाँ पर y एक्सिस पे मान लिए आपका प्रेशर है, x एक्सिस पे आप मोल फ्रैक्शन मान लिए, तो आपका ये जो होगा आपका स्ट्रेट लाइन जाएगा, सीधी रेखा जाएगा, वो स्लोप होगा आपका KH का। तो ये रहा आपका हेनरीज इक्वेशन। आप हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। हेनरीज इक्वेशन ऑलरेडी यही है कि हम लोग प्रेशर को इनक्रीज करेंगे तो उसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वह भी इंक्रीज होगा, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी भी जो होगी वह इंक्रीज होगी। और उसमें हम लोग हेनरीज कॉन्स्टेंट लगा लिए KH। और एक्चुअली एक बात ये जाने कि 1803 में हेनरीज लॉ के बारे में बताया गया, 1803 ईस्वी में। तो हम लोग क्या समझेंगे, जो इसका प्रेशर है वह इंक्रीज करने पर मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, और हम लोग यहाँ पर कॉन्स्टेंट KH लगा रहे हैं, इसका जो होता है ये आपका, इसे बोलते हैं हेनरीज कॉन्स्टेंट। और सब बातें समझ में आए होंगी, जो फैक्टर अफेक्टिंग है सॉल्युबिलिटी के लिए वो भी समझ में आया होगा आप लोगों को, हम आशा करते हैं। आप लोग अगर नहीं समझ में आया होगा वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, और दोबारा बातें आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आप लोगों को जो बातें ना समझ में आया करें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करें, हमें ये बातें नहीं समझ में आई या ये बातें और क्लियर करनी चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि वो बातें और अच्छे से क्लियर आप लोगों को की जाएँ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स अ लॉट।